हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहुल कुरवा। आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैंगन वाटर मशीन वाटर आयोनाइजर का, है SD501। इसकी आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का डेमो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैंगन वाटर आयोनाइजर मॉडल नंबर है ST501। इसमें 9.5 pH, 9 pH, 8.5 pH, 7 pH, 6 pH और 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर अपन ये चार टाइप के वाटर इस मशीन से निकाल सकते हैं। ये अपन ने स्टार्ट किया, ये 9.9 pH का पानी इधर से आ रहा है। लेट्स स्टॉप द मशीन। ये हमारा 9 pH का पानी है। इसका जो पहला प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर का मीनिंग है अपना जो नॉर्मल RO पानी होता है वो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, वो एकदम गाढ़े होते हैं, जो अपने शरीर के सेल में डीपली अंदर जाके उसको टॉक्सिन्स को रिमूव कर नहीं पाते। लेकिन जब ये कैंगन वाटर का आयोनाइज्ड पानी होता है उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो चुके होते हैं, जिससे कि वो छोटे हो जाते हैं और अपने शरीर के सेल में छोटे छोटे एरिया में भी जाके वो सेल में हाइड्रेट करके उसमें से टॉक्सिन बाहर निकाल के बॉडी में से एक्सक्रीट कर देता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये 9 pH का वाला पानी और हम इसमें RO पानी ले लेते हैं। ये RO पानी है और ये कैंगन वाटर। ये हमारे पास एक टी बैग है, ग्रीन टी बैग। इसे हम पहले RO पानी में डुबो के देखते हैं, जो कि बहुत गाढ़ा है। इसमें टी बैग पे कोई इफेक्ट नहीं करता। यूजुअली हम टी बैग यूज़ करने के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए गर्म पानी यूज़ करते हैं, जिससे कि गर्म पानी पतला हो जाता है और टी बैग में अंदर चला जाता है। यही टी बैग को हम ये कैंगन वाटर में डालते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है। अब देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी ग्रीनिश हो रहा है। ये पानी नॉर्मल है, वाइट है और ये ग्रीनिश हो रहा है। इसका मतलब ये पानी माइक्रो क्लस्टर है, एकदम थिन पानी है और ये टी बैग को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए डेमो आपके सामने ही है। इस डेमो से हमें माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। इसका मतलब इन शॉर्ट है कि ये पानी एकदम पतला होता है, तो अपने शरीर में, अपने स्किन में और स्किन मसल्स में, अपने बॉडी के मसल में, टिश्यू में, हर जगह काफ़ी आसानी से पहुंच जाता है और उसे हाइड्रेट करता है। आप ये पानी आपके स्किन पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको कोई अगर अदर मॉइस्चराइजर या लोशन या क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहेगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला डेमो हम देखने वाले हैं 11.5 pH पानी का, जो कि हाईली अल्कलाइन होता है। उसमें अपन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अपने सीरियल्स होते हैं, राइस एक्सेट्रा, उसमें धोएं तो जो उस पर पेस्टिसाइड लगे होते हैं वो पेस्टिसाइड्स को भी वो डिसॉल्व करके निकाल देता है। जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है उसको भी रिमूव कर देता है। तो उसको डेमो हम देखते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन। तो ये डेमो करने के लिए हमने 11 pH का जो डेमो है उतना उसका डेंसिटी कितना कम है वो दिखाने के लिए हमने ये दो ग्लास लिए हैं। और ये हमने लिया है 11 pH का पानी और ये है नॉर्मल RO का पानी। तो ये डेमो देखने के लिए हमने ये लिया है
मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, तो दोनों ग्लास में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम, सो ये दो ऑयल हमने लिया है। एक में हम ऐड करेंगे नॉर्मल पानी, आरओ का पानी, नो इफेक्ट, देख सकते हैं आप तेल ऊपर तर रहा है। और इसमें हम ऐड करेंगे 11 pH, 11.5 pH वाला पानी। ये देखिए, ये 11.5 pH वाले पानी ने पूरे तेल को भी फाड़ दिया है। इसका मतलब है, ये देखिए, ये 11.5 pH वाले पानी ने पूरे तेल को भी फाड़ दिया है। और ये अपने पेस्टिसाइड जो फ्रूट और सब्जियों पे लगे होते हैं, वो इसमें हम वॉश करें तो पूरा डिसॉल्व होकर उसको निकाल सकता है, उसका ये डेमो है। वेराज नॉर्मल अपन जो आरओ पानी से या नॉर्मल पानी से धोते हैं, उसमें ऑयल का कोई इफेक्ट नहीं है, ऑयल ऊपर तर रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है 11.5 pH पानी की। तो ये सारे दो डेमो अगले डेमो के साथ आप वापस आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।